दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी हम सब का पसंदीदा टेलीविजन शो है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें केबीसी ना देखा गया हो। पिछले 23 सालों से इस शो ने अपना जलवा कायम रखा है। आलम यह है कि अगर हमें कोई ऐसा इंटेलिजेंट इंसान मिल जाए जिसकी नॉलेज काफी अच्छी हो तो हम उसे केबीसी में चले जाने की सलाह दे देते हैं। यानी कौन बनेगा करोड़पति एंटरटेनमेंट और नॉलेज इन दोनों का ही एक जबरदस्त तड़का है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पॉपुलर शो की हकीकत वैसी नहीं जैसा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आता है। शो कौन बनेगा करोड़पति के ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो शो के शुरू होने के इतने सालों बाद भी दर्शकों को पता नहीं है। तो अगर आप केबीसी के इन डार्क सीक्रेट्स को करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज हम आपको कौन बनेगा करोड़पति के कुछ चौंकाने वाले डार्क सीक्रेट्स डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्राइज मनी से। अगर आप सोच रहे हो कि कंटेस्टेंट्स केबीसी में जीती हुई पूरी की पूरी रकम घर ले जाते हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दरअसल हर कंटेस्टेंट को जीती हुई प्राइज मनी का 30% टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यानी अगर किसी ने केबीसी पर 7 करोड़ रुपए जीते हैं तो उन्हें घर ले जाने को 4.90 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। मतलब साफ है कि आप केबीसी में कितनी भी रकम लें, आपके हाथ उन पैसों का 70% ही आएगा। अगला सीक्रेट है शूटिंग को लेकर। केबीसी का एपिसोड पहले 1.5 घंटे का हुआ करता था, इसके बाद एपिसोड की लेंथ को घटाकर 1 घंटे किया गया। अगर आप सोच रहे हो कि इस 1 घंटे के एपिसोड को शूट करने में 1-2 घंटे ही लगते हैं तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। एक एपिसोड को शूट करने में कम से कम 6 घंटों का समय लग जाता है। कई बार तो एक ही सीन को बार बार शूट किया जाता है, यानी स्क्रीन पर दिखने वाली परफेक्शन एक शॉट में ही नहीं आती है। हर परफेक्ट सीन के पीछे कई रीटेक्स छुपे होते हैं। केबीसी का अगला डार्क सीक्रेट है हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट्स की दुख भरी कहानी देखने को लेकर। दरअसल केबीसी में गए कुछ प्रतियोगियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए ये बताया है कि हॉट सीट पर बैठने के बाद जो उनकी क्लिप दिखाई गई, उनमें उनका घर, पड़ोसी जैसे डिटेल्स सब फेक थे। अच्छी फैमिली से आने वाले कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो बेहद गरीब परिवार से हों। माना जाता है कि ऐसा करके चैनल TRP बटोरने और दर्शकों को शो से इमोशनली जोड़े रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगला सीक्रेट आपको हैरान कर सकता है। अगर केबीसी में जाकर आप अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेने का सोच रहे हैं तो संभल जाइए। केबीसी के सेट पर अमित जी का ऑटोग्राफ लेना सख्त मना है। सेट पर जाने के बाद अगर आप पेपर और पेन लेकर जाते हो तो वहाँ मौजूद क्रू मेंबर्स वो पेपर और पेन रख लेंगे। जो फैंस ये सोचते हैं कि कंटेस्टेंट्स बड़ी आसानी से अमित जी का ऑटोग्राफ ले सकते हैं, वो तो गलत सोचते हैं, क्योंकि केबीसी के सेट पर स्ट्रिक्ट नो ऑटोग्राफ पॉलिसी अपनाई जाती है। अगला सीक्रेट शायद ही आप में से किसी को पता हो। दोस्तों, डायलॉग हो या एंकरिंग, हम सभी अमिताभ बच्चन के स्टाइल से काफी इम्प्रेस्ड हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो कितनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें, कविताएं या शायरी बोल देते हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल केबीसी में अमिताभ बच्चन जो भी बोलते हैं वो उनके द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। जो भी शायरी या अच्छी बातें आप उनके मुंह से सुनते हैं, ये सब कुछ अपने मन से नहीं बोले जाते, बल्कि सेट पर अमित जी के लिए एक स्क्रिप्ट टीवी मौजूद रहती है जिस पर उनकी लाइंस चलती रहती हैं। वो उन्हीं लाइंस को शो के दौरान पढ़ते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट है शो में कंटेस्टेंट्स को मिलने वाले चेक को लेकर। क्या आपको पता है कि कंटेस्टेंट्स को जो चेक मिलता है उसे शो के खत्म होने के बाद वापस ले लिया जाता है? जी हाँ, शो में जो विनिंग अमाउंट का चेक होता है वो असली नहीं होता है। ये चेक सिर्फ दिखाने के लिए कंटेस्टेंट्स को दिए जाते हैं, बाद में उसे रियल चेक से बदल दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शो के दौरान सिर्फ चेक ही नहीं बल्कि कंटेस्टेंट्स को होने वाला बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी फेक होता है? जी हाँ, अमिताभ बच्चन मोबाइल से जो पैसे प्रतियोगियों को ट्रांसफर करते हैं वो प्रोसेस असल में नकली होता है।
ये महज बैंक के प्रमोशन के लिए किया जाता है। दरअसल शो के दौरान जीती हुई पूरी की पूरी राशि कभी कंटेस्टेंट के अकाउंट में नहीं जाती है। कुछ पैसे टैक्स में कटते हैं, इसलिए शो के दौरान एक साथ पूरे पैसे ट्रांसफर करके दिखाना बस एक प्रमोशनल स्टंट है। दोस्तों अगला सीक्रेट है केबीसी में सिलेक्शन को लेकर। दरअसल केबीसी में आना इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। अगर किसी को केबीसी कंटेस्टेंट बनना है तो इसके लिए उन्हें 3 राउंड से गुजरना होगा। पहले राउंड में आपको SMS करना है। इसके बाद अगर अगले राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो केबीसी की टीम आपको कॉल करेगी। इसमें आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आपको केबीसी के सेट पर बुलाया जाएगा। इसके बाद तीसरा और अहम राउंड होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इसे क्लियर करके ही कंटेस्टेंट हॉट सीट तक जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के तुरंत बाद ही कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आकर बैठ जाता है तो अब तक आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद कंटेस्टेंट को अमिताभ बच्चन के आगे बैठकर केबीसी खेलने में कुछ घंटे लग जाते हैं। इस दौरान केबीसी की टीम उस कंटेस्टेंट का मेकअप करती है। जब कंटेस्टेंट मेकअप करवा रहा होता है तो उस दौरान अमिताभ केबीसी की टीम से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन एक एपिसोड से कितना कमा लेते हैं? दरअसल जब अमिताभ ने केबीसी की होस्टिंग शुरू की थी तब उन्हें हर एपिसोड के 25 लाख रुपए मिलते थे, पर वक्त के साथ अमिताभ बच्चन की दमदार होस्टिंग की बदौलत केबीसी काफी पॉपुलर हो गया और इस तरह अमिताभ बच्चन की फीस में भी इजाफा हुआ। अब अमिताभ हर शो के 3 से 5 करोड़ रुपए लेते हैं, यानी कंटेस्टेंट्स करोड़पति बने या ना बने, अमिताभ हर एपिसोड के बाद करोड़ों रुपए घर ले जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि केबीसी पर आए सेलिब्रिटीज हमेशा ही 12 लाख से ज्यादा की रकम कैसे जीत लेते हैं? असल में कुछ रिपोर्ट्स की माने तो केबीसी पर सेलिब्रिटीज एपिसोड हमेशा ही स्क्रिप्टेड होता है। इन एपिसोड्स में जब भी कोई सेलिब्रिटी गलत जवाब देता है तो सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स उन्हें इशारा कर देते हैं, और तो और अगर कोई सेलिब्रिटी गलत जवाब दे भी दे तो उसका वो सीन फिर से शूट किया जाता है। दोस्तों अब आपको केबीसी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। केबीसी के प्रोमो में जो आप केबीसी का आलीशान सेट देखते हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चौंक गए ना आप ये सुनकर? असल में प्रोमो की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन की मदद से की जाती है। ऐसा तब होता है जब शूट रियल लोकेशन में नहीं होता और बाद में एडिटिंग की मदद से शूटिंग लोकेशन का बैकग्राउंड वहां जोड़ दिया जाता है। तो केबीसी के जो प्रोमो रिलीज होते हैं उन्हें अमित जी सेट पर नहीं बल्कि एक ग्रीन रूम में शूट करते हैं। तो दोस्तों ये थे टेलीविजन की दुनिया के सबसे पसंदीदा शो कौन बनेगा करोड़पति के कुछ टॉप सीक्रेट्स। हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।